स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। पिछले वाले व्लॉग में मैं नहीं था, मुझे आप लोगों ने बहुत मिस करा। और ये रही मेरी प्यारे माते, नमस्ते बोल दो सबको। नमस्ते। पहले ये बताओ। नमस्ते सबको और दिवाली की करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामना प्यारी बेटियों को और मेरी जैसी उम्र की और तो सबको। मम्मी आप अगर साधु या संत होती ना, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे प्रवचन देती आप। और ये देखो ये क्या है, ये भाई यहाँ पे देख रहे हो आप, ये आज ये... मैं कुछ करने वाली हूँ। आज इस कैची से क्या होने वाला है? आज मैं ऐसा करूंगी जे सुबह सुबह के रोएगा। तो मैं बता दूं हमारा प्लान पता है क्या है, सुन तो नहीं रहा बिल्कुल। सो गाइस देखो प्लान ऐसा है, आकाश अभी मस्त हो रहा है, ठीक है, और उसके साथ में इतना बुरा होने वाला है। मम्मी क्या करोगी सच बता दो उसके। हाँ कच्चा 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 ये क्या चीज़ है, ऐसे करना ऐसे करना, कैसी चल रहा, काट दो। पता लग गया ना तो पूरी रात रोएगा। एक बार हो पाया था मैंने ऐसे, तब तो अपना ब्लॉग नहीं था बहुत दिन। तो भाई देखो आप मेरे से ना बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि उसके बाल कटवा दो बाल कटवा दो, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि ऐसा कुछ तो जुगाड़ कर इससे बाल काटे जाए। तो मम्मी पता लग गया तो फिर अधूरे रह गए तो नहीं पता चलेगा। सुनो रात पर सोया पता है नींद आ रही है, पता है काटते कितने, अगर पता भी चलेगा उसको बोलेंगे ब्लॉग के लिए ऐसे छोटा सा मजाक कर रहा है तेरे साथ, थोड़े से बाल काटेंगे ब्लॉग के लिए, ठीक है। वैसे पता नहीं चलेगा, बेहोश होकर सोता चाय पी। वैसे पता लगता है पिछली बार तो आधे काटे थे, पता लगा था, पर उसको फिर कटवाने ही पड़े। अब बताओ कितने काटोगी ये बताओ। मैं तो सारे उठा दूंगी। नहीं ढंग से बताओ कैसे, ऐसे पहले प्रैक्टिस करो मेरे ऊपर, मेरे मत काट देना कहीं। फिर कैसे कहाँ से पकड़ोगी? पहले यहाँ से उठाऊंगी बीच में से, यहाँ से नहीं काट सकती ना मेरी प्यारी मम्मी है ना, मेरी माँ मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है क्योंकि मैं अपनी माँ को क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत सारे पैसे देता हूँ। इसलिए मम्मी पैसे तो भाई भी दे देता मेरे को, ऐसी बात नहीं है पैसे देने वाली बात। चलो सीरियस मत, मजाक करो, मैंने कौन से पैसे दे दिए आपको, आप हर चीज सीरियस जाती हो। चलो तो भाई कैश मीनो के पास में और उसके साथ में इतना मजा आ जाएगा आज का मौसम देखो आजकल भाई मौसम एकदम बढ़िया हो रहा है। मम्मी सुनो रेडी हो ना, सुनो दूसरा मौका नहीं मिला, एक में इतने उड़ाने यहाँ से वैसे एकदम, ठीक है चलो। चाय पिएगा। अरे नहीं करा कुछ भी, कुछ नहीं है, मैं तो चाय पूछ रही आज सुनने वाला था, वो सिर्फ चाय ज्यादा पीता है इसलिए मैं फिर मेरे को चाय बनानी थी किसी के लिए, तो ये करना पड़ा। नहीं काटे, काटे तो दिखते नहीं क्या तुझे, देखा का ये रही तेरी अमानत। तेरे तुझे अपनी माँ पे भरोसा था ना, आकाश तेरी प्यारी माँ ने दिया तुझे धोखा, इतनी मुश्किल से कर रहा तो बड़े ये क्या झूमरा बड़ा रखे मेरा, और काट दो और काटो मम्मी मेरा मन ऐसे करता और काटो काट दो अब तो काटने ही पड़ेंगे।
मैं तो कह रहा हूँ बीच में से काट दो। कौन से काटे? पीछे से। और मैं तो कह रहा हूँ पहले इसके मारो कैची, इसको जान से मारो फिर बाल काटो। यार मम्मी ये देख अरे मम्मी मम्मी ने हमें भी कहीं चला दी कचर 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 मेरे बाल नहीं काट सकती मम्मी कभी। मम्मी नहीं काटोगी ना मेरे? तो प्यारा बाल रखता है, इसकी तरह घूम रहा थोड़ी। देखो मेरे बाल कितने क्यूट है, ये देखो इसके साथ देखो इसके बाल गंदा रखता है, काटने का ढंग नहीं है। दिखा ना मुश्किल से लंबे कर रहा था, ये जड़ गए शायद। मत करो यार, क्या मत करो, ये आगे से उड़ाने थे मेरे को तो। अरे अरे हट दो यार, इतने से थोड़े से मम्मी आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, आप इसको जबरदस्ती काटो इसके बाल पकड़ के। बड़े होगा मेरे बस की नहीं हो, छुड़ा जाएगा ये चक्कर है ना, ये एक और होता रहेगा मेरे साथ इसको बाबू को ले लेते मान जाएगा माफ कर देगा आपको। इसको बोलो चाय पिलाऊंगी अदरक वाली। ऐसे रोएगा, रोना नहीं बेटे, चाय पिलाऊंगी दो बार ठीक है। कुछ हो गया अब तो चाय के नाम से बाल बाल पे काट लेने थोड़ा। अरे चार महीने लग जाते बड़े होने में, तो छोटा था जब भी तो काटती थी ना। छोटी की बात अलग है, छोटी की कैसे छोटे में था नहीं कोई। फिर वही तो बात है, तू मेरी बात नहीं मानता, तू करा मेरे को प्यार नहीं करती, ये नहीं करती, मैं तेरे को प्यार समझो मेरी बात मानता थे। मैं इसको बोलूं जैसे कटवाना था वैसे ही कटवाना, माँ बाप की बात मानता है, वो माँ बाप की बातों का पालन करता है। वो तो सही है, आधे घंटे पहले सोया था, पापा चाय पिला के गए थे तो पूरा उड़ा देती अब तो आगे से। वो तो मेरा प्लान अच्छा ही था, देख तू मजबूर होकर फिर कटवाना ही पड़ता है। आकाश के साथ में हम इस बार बच गए, थोड़े सी बाल कट पाए इसलिए इतना नाराज नहीं है। मम्मी अगली बार इधर सफाया। आप लोग कमेंट करके बताना क्या मुझे मम्मी के साथ मिलके इसके सारे बाल उड़ा देने चाहिए, हम चाहते हैं कि एक बार गंजा हो जाए। ये तो है, ये हरामी सारे सारे लोग हरामी है, और अब तो करेंगे कमेंट काट दो काट दो। अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट मम्मी 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 अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट आ गए तो आकाश को गंजा कर देंगे। नंगा? अरे गंजा नंगा नहीं। तू ना वैसे एक बार बताऊ, ये बाल है ना काफी बड़े हैं और यहाँ से काटे तेरे बिल्कुल देख यहाँ से। अब तू जाएगा कैसे? अब तू जाएगा ना तो ना ही तेरे को बोलेगा कि काटे ना। हाँ अब मम्मी की सजा बता दे मम्मी क्या है। मम्मी की सजा है अब आपकी सजा पता है क्या है? डेली 4 बार चाय बनाना, ये सजा है अब आपकी। तो गाइस इतना मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा कम मजा आएगा इसके अंदर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसका तो बहुत बुरा करने वाले हैं। और एक चीज, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मम्मी से क्वेश्चन और आंसर करने वाले, जो आप कमेंट करोगे बाकी कमेंट करने आकाश के लिए गंजा करना, और आपके जो भी क्वेश्चन था पूछो उसका बैठ के मम्मी से जवाब दिलवाएंगे। देखा जग गया ना, मेरे पास से हवा भी जाती है ना, जाता हूँ बच गया। तो मम्मी थोड़ी सी ना कंफ्यूज रहती है, मम्मी वीडियो के चक्कर में तो इतनी देर में तो मम्मी तुझे गंजा कर देती। कंफ्यूज नहीं है, अब है ना दिमाग खराब हो गया बात हाथ अड़ाने में, मेरे तो काट दिया आपने। इस्तिया भाई हो गया कर दो कर दो कर दो। चलो छोड़ो आज के लिए माफ कर देते हैं।